हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने पौधे लगाए हैं तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं वैसे वैसे हमारे पौधे में जो नाजुक कलियाँ या जो न्यू न्यू पत्तियाँ निकलती हैं उसमें उसके साथ कीटाणुओं का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पौधे में कीटाणुओं का अटैक होने लगा है तो ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसको डालने से आपके कीटाणु ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर आपको थोड़े कीटाणु दिखे तभी आप इसका प्रयोग करना अपने पौधे पे। जैसे जैसे इस कीटनाशक का दवा अपने पौधे में डालते जाएंगे वैसे वैसे आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी भी हो जाएंगे और कोई भी कीटाणु आएंगे भी नहीं। तो फ्रेंड, इस फर्टिलाइज़र को आपको कम से कम महीने में 3 बार यूज करना है। ये बहुत ही आसानी से कहीं से भी आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके साथ। तो मैंने 2 पत्तियों को लिया फ्रेंड, 2 प्रकार की पत्तियां हैं, उसी का मैंने लिक्विड बनाया है। इसको डालते ही आपके पौधे के जो कीटाणु होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और जो होममेड आप बनाते हैं कोई भी चीज़, उससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर वही मार्केट से कोई केमिकल युक्त अगर पौधे में डालते हैं तो आपका पौधा बहुत कम समय चल पाता है, जल्दी जल्दी सूख जाता है या तो उसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा होता है तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। लेकिन अगर आप होममेड मतलब घर में कोई कीटनाशक दवा बनाते हैं तो उससे आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, चाहे क्वांटिटी कम हो या तो क्वांटिटी ज़्यादा हो। ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये मैंने लिया है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। एलोवेरा हमारे पौधे पर बहुत अच्छे से काम करती है। जब नई पत्तियां निकलती हैं, नई कलियां निकलती हैं तो एलोवेरा जो जेल होता है अगर उनका आप लिक्विड बना के डालते हैं तो उससे हमारे पौधे काफ़ी हेल्दी और जो कलियाँ निकलती हैं वो बिल्कुल सीधी निकलती हैं, पत्तियां भी सिकुड़ती नहीं। वो बहुत ही अच्छा से काम करता है हमारे प्लांट में एलोवेरा का जेल, जो लिक्विड बनाकर अपने पौधों में आप छिड़काव करेंगे तो, और पौधों को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। मतलब पौधे को बहुत बूसी और घना बना देगा बिना किसी नुकसान का। उसी तरीके से फ्रेंड, ये दूसरा है जो पत्ती मैं दिखा रही हूँ, ये है नीम का। वैसे नीम ऑयल भी लोग स्प्रे करते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो नीम की ताज़ी पत्तियों को तोड़ के ले आइए और उसको अच्छे से महीन पीस लीजिएगा। अब बताती हूँ कि इसको स्प्रे कैसे करना है। फिर बिल्कुल से महीन मैंने पीसा है। कोशिश करिएगा फ्रेंड कि किसी खलबट्टा या तो सिलबट्टा में अच्छे से इसको पीस लीजिएगा। मिक्सी में पीसने से खाली पत्तियां कट जाती हैं, महीन नहीं हो पाती हैं और ज़्यादा गर्म होने से इनके जो तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड, दोनों पत्तियों को पीसने के बाद देखिए इस तरीके से मैंने छान लिया, मतलब 100 ग्राम एलोवेरा की पत्ती और 100 ग्राम आपको नीम की पत्ती, दो अगर दो 100-100 ग्राम रहेगी, 200 ग्राम में तो आपका गार्डन में जितना भी पौधा होगा पूरे में स्प्रे हो जाएगा। छानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे स्प्रे मशीन में फंस जाएगा। फ्रेंड देखिए कितना सुंदर सा कलर ये निकल करके आया है। अब इसको अपने उन पौधों पे डालना है जिसमें आपके पौधे काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी वीक दिख रहे हैं या उसमें फंगस लग गए हैं, तो उस पौधे में आपको ज़रूर इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के 2 ही दिन बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब सारी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और बिल्कुल हेल्दी आपको दिखेंगी।
तो ये दो चार डंडियाँ जो होती हैं हमारे पौधे को बहुत ही काम करती हैं हमारा कोई भी फंगस रोकने के लिए। तो ये दो चीज़ को यूज़ करके आप अपने पौधे को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं, कोई भी मार्केट से कीटनाशक दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा असर करेगी, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा।